आप सभी को मेरा नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सी थ्रेल दवाई के बारे में और इस दवाई की पूरी डिटेल हम जानेंगे, जिसे एजिथ्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है। इस दवाई की पूरी डिटेल हम इस वीडियो में समझेंगे और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी पर देखने को मिल सकते हैं अगर कोई पेशेंट इसे लेता है तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैक्सी थ्रेल है ये एक ब्रांड का नाम है और इसके अंदर पाया जाता है एजिथ्रोमाइसिन। और देखिए, इसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। देखिए, डॉक्टर रेड्डी एक दवाइयों की कंपनी है जो तरह तरह की दवाइयां बनाती है, उन्हीं में से एक दवाई है मैक्सी थ्रेल। और इसके अंदर कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है एजिथ्रोमाइसिन। अब देखिए, ये जो एजिथ्रोमाइसिन है वो अलग अलग कंपनी द्वारा बनाया जाता है, यहाँ पर आप अपने राइट साइड में देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके उपयोग जान लेते हैं। देखिए, ये एक एंटीबायोटिक दवाई होती है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में काम आती है। देखिए क्या होता है, दरअसल जब पेशेंट डॉक्टर के पास में आता है तो वो ये नहीं बोलता कि डॉक्टर साहब मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, मुझे एंटीबायोटिक दे दीजिए, ऐसा नहीं होता। वो डॉक्टर से हमेशा अपने सिम्टम्स बताता है। अब इस केस में क्या होता है, जब पेशेंट अपने सिम्टम्स लेके आता है, जैसे जुकाम के दौरान जो इन्फेक्शन बन जाता है फेफड़ों में, कफ हो जाता है फेफड़ों में, या फिर स्किन के ऊपर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का, या फिर आईज में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो डॉक्टर चेकअप करता है पेशेंट का और उसे पता चलता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है इस पेशेंट में। तो इस कंडीशन में डॉक्टर इस दवाई का, एजिथ्रोमाइसिन दवाई का उपयोग पेशेंट को बताता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तरह तरह के इन्फेक्शन में ये जो एंटीबायोटिक है बहुत ही ज़्यादा काम आती है। और देखिए, यही नहीं, इसके अलावा अगर कहीं ब्लड में या फिर ब्रेन में, लंग्स में, मैं बता चुका हूँ, हड्डियों में और जॉइंट्स में, यही नहीं, इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में और पेट में भी कई बार इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है, क्योंकि ये जो है वाइड रेंज एंटीबैक्टीरियल दवाई होती है। अब ये किस तरीके से काम करती है ये हम इसी वीडियो में समझाएंगे आगे। इसके अलावा देखिए, टाइफाइड फीवर में भी कुछ केसेस में इस दवा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एसटीडी में भी, जैसा कि गोनोरिया में भी, इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है कई बार। देखिए, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, कई बार क्या होता है, पेशेंट ही पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई किस तरीके से काम करेगी, तो डॉक्टर पेशेंट को समझाता है कि देखिए ये जो दवाई है वो क्या करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। अब बैक्टीरिया की ग्रोथ को किस तरीके से रोकती है, देखिए बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम होता है जो कि उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करता है और उसे हमारे शरीर में इम्यूनिटी से बचाता है। तो इस प्रोटीन सिंथेसिस को ये दवाई क्या करती है, अफेक्ट करती है, उसे रोकती है। और स्पेशली 23S rRNA पर ये दवाई जो है अटैक करती है और प्रोटीन सिंथेसिस को, बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है, और इससे क्या होता है, हमारे शरीर में बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है रुक जाती है। देखिए, अब जान लेते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स। देखिए, कई बार क्या होता है, पेशेंट पूछ लेता है या फिर डॉक्टर भी समझा देता है कि देखिए इस दवा को लेने के बाद में थोड़ा आपका उल्टी का मन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है और डायरिया, कई बार लूज मोशन भी कई बार पेशेंट में देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट में ये साइड इफेक्ट जो है देखने को मिले, किसी किसी पेशेंट में ये जो साइड इफेक्ट हैं देखने को मिल सकते हैं। देखिए, एजिथ्रोमाइसिन दवाई के बारे में आज हमने समझा। इसकी मार्केट में अलग अलग ब्रांड आती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एजिटेक, एजोमाइसिन, एसिसिलिसिन, और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये भी एक ब्रांड का नाम है मैक्सी थ्रेल। तो ये अलग अलग ब्रांड की दवाई आती हैं, लेकिन इनमें सब में कॉमन क्या होता है, एजिथ्रोमाइसिन। अगर एजिथ्रोमाइसिन कंपोजिशन में है तो एक्शन भी जो है सेम देखने को मिलेगा हमारे शरीर के अंदर। तो ये था मैक्सी थ्रेल दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।